एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मधुर दिल से। आज मैं ये बनाने जा रही हूँ एक वुड फ्रेम। ये मैं बनाऊंगी अपने डॉटर्स के रूम के लिए। इसके लिए जो ये चार वुड हैं, इस तरीके की वुड मैंने ली है और ये घर में ही मेरे पड़ी हुई थी। सबसे पहले मैंने ये न्यूज़पेपर बिछा लिया है ताकि मैं जिस इस पर अगर कलर करूँ तो ये स्प्रेड ना हो, फ्लोर पर ना जाए। तो इसको कलर करने के बाद हम इसको टाई कर लेंगे। इस तरीके का फ्रेम अब ये लग रहा है। इसके बाद ये मेरे पास एक क्लिप पड़ा हुआ था जो कि रिद्धि पहनती नहीं थी। अब इस जो क्लिप को मैं लगा लूँगी, आपके पास कोई भी सामान ऐसा पड़ा है जो वेस्ट है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। प्लस इसके बाद हम इसके अंदर जो थ्रेड होता है, जो नॉर्मल थ्रेड होता है, उसको लेंगे और थ्रेड के साथ इसको जो फ्रेम है उसको बांधते जाएंगे। एक मतलब आपने एक वर्टिकल लाइंस बनानी है थ्रेड की। आप देख सकते हैं वाइट कलर का थ्रेड ये जा रहा है। इस तरीके की आपने थ्रेड से लाइन बनानी नहीं है। अब हमने कॉटन लेनी है, कॉटन पर ग्लू लगाकर इसको थ्रेड पे चिपकाना है और जब ये थ्रेड पर चिपक जाए उसके ऊपर से ग्लू लगा के फ़ोटो को पेस्ट करना है, ताकि फ़ोटो को कभी हमें फ्यूचर में फ़ोटो हटानी भी हो तो इस पर मतलब ये गंदी ना हो, ख़राब ना हो और हम इसको रीयूज़ कर सकें। तो इस तरीके से थ्रेड पर इसको पेस्ट कर देना है, जो हमने कॉटन लगाई थी ग्लू के साथ उस पर पेस्ट कर देना है और ये इस पर स्टिक रहेगी और एकदम घूमती रहेगी। तो इस तरीके से आपको पूरी जो फोटो फ्रेम है उसके ऊपर इसको पेस्ट कर देना है और ध्यान रहे कि नीचे न्यूज़पेपर में ना लगे। इस तरीके से कोई भी रैंडम ऑर्डर आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
आप भी इसको बना के देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा आपके घर में टंगा हुआ। आप अपना अपने लिए बना सकते हैं, अपने पार्टनर के लिए बना सकते हैं, या अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं। ये मैं अपनी डॉटर के रूम के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए मैंने इनकी ही फोर स्नैप्स ये निकलवाई थी, तो मैं इनका बना रही हूँ। आपको याद होगा इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी, जो कि मतलब मैंने जो पिक्चर क्लिप होती है उस वो वीडियो थी। तो पिक्चर क्लिप की जो मतलब जो फोटोज़ हैं ये वो हैं, और पिक्चर क्लिप्स जो कि जो लाइट वाली जो क्लिप्स थी वो ब्रेक हो गई थी, इसलिए मैं ये इस फ्रेम बना रही हूँ, क्योंकि ये जो पिक्स हैं ये ख़राब हो जाती है इधर उधर हो के, तो इसलिए ये जो है अब यूटिलाइजेशन में आ जाएगी। हेयर इज़ द लुक ऑफ द फोटो फ्रेम।